बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसपे एक बार फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। हालांकि ये घोटाला नया नहीं है, बहुत पुराना है। आज से 2 साल पहले भी कैंडिडेट जिन्हें नौकरियां नहीं मिली थी उनके जगह पर किसी और को नौकरी दे दी गई थी वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी एक नया ग्रुप प्रदर्शन कर रहा है, वो ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें नौकरी तो मिल गई, नौकरी कर भी रहे थे, लेकिन 7-8 सालों के बाद अब उनकी नौकरी रद्द हो गई है और इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम एक हावड़ा के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं जिसका नाम है विक्रम विद्यालय। और क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, बंगाल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इसलिए बच्चे स्कूल में नहीं हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे बच्चों के शिक्षा पर किस तरह से असर पड़ेगा। बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, चुनाव भी है, किस तरह से असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे पास स्कूल में ही मुझे दिखा प्रभात खबर अखबार है, आप देख सकते हैं फ्रंट पेज में यहाँ पे शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर खबर छापी गई है और 2-3 दिन से लगातार फ्रंट पेज पे छप रही है ये खबर, तो इस पे बात करना जरूरी है। चलिए हम प्रधानाध्यापक जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं शिक्षक भर्ती घोटाला, एक बड़ा घोटाला है, किस तरह से स्टूडेंट्स के लाइफ पे असर पड़ रहा है और शिक्षकों के लाइफ पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे शिक्षक चले गए हैं, तो कुछ शिक्षक बचे हैं उन पे दबाव ज्यादा होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए, चले गए हैं बोलना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा क्योंकि मामला राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सामने सोमवार को उसकी सुनवाई होगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई इतना बड़ा फैसला न ले जिससे, क्योंकि देखिए शिक्षकों का को बाहर निकाल देना ये सिर्फ एक रोजगार के लिए ही नहीं, विद्यार्थियों के जीवन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि सारे स्कूल, जितने स्कूलों से लोग गए हैं वो सारे स्कूलों पर इस चीज का असर पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं उसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से असर विद्यार्थियों के जीवन पर भी पड़ेगा। नो डाउट घोटाला है, ये हाई कोर्ट में भी क्लियर हो गया और एसएससी और सरकार के प्रतिनिधि ने भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस चीज को स्वीकार भी जरूर किया है कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत था, लेकिन पूरी की पूरी पैनल को कैंसिल कर देना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन कैंडिडेट्स के साथ भी अन्याय है जो अपने दम पर इस नौकरी को हासिल किए थे। आपको पता होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो करीब 2-3 सालों से लगातार गांधी स्टैचू के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो भ्रष्टाचार तरीके से गए हैं उसकी वजह से उनको नौकरियां नहीं मिली जबकि वो कैपेबल थे, तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक नया ग्रुप जिन्हें अब निकाल मतलब रद्द कर दी गई है जिनकी नौकरियां कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों को लेकर, उन दोनों के जीवन को लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे कि उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं? देखिए न्याय तो बिल्कुल होना चाहिए, जो लगभग 3-3.5 वर्षों से जो लोग धर्मतल्ला में गांधी मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं धूप बरसात ठंडी में हर समय, उनके साथ तो जरूर न्याय होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें एक आशा का किरण भी दिखा है, लेकिन मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि कुछ एक लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि जो धरना दे रहे हैं वो गलत हैं, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार संविधान देता है और उन्हें इस चीज का पूरा अधिकार भी है जिसके लिए वो बैठे वहां पे, और इस चीज को सुनिश्चित कर देना कि उनकी नौकरी सही तरीके से उन्हें मिले ये सरकार का भी काम है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, चूंकि हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी करना ये असंवैधानिक है तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता, हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन मैं फिर उसी बात पर जोर दूंगा कि जो योग्य है अयोग्य को बाहर करना एकदम सही है, और पर जो योग्य है गेहूं के साथ घुन पिस जाना जो कहावत है यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और एक उम्मीद इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि कुछ महीने पहले प्राइमरी के भी नियुक्ति पर इसी तरह हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था लगभग 32,500 के आसपास शिक्षकों की बर्खास्तगी का, पर वो मैटर भी जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे में है और वो टीचर बहाल है अभी तक, तो आशा है कि स्टे लगेगा
और सरकार निष्पक्ष होकर उस मामले की पूरी जांच करे और जो योग्य है उनका नौकरी बहाल रहे, जो धरने पे है उसमें जो योग्य है उनको नौकरी दिया जाए, और जो अयोग्य है, जैसा कि हमने सुना मीडिया के माध्यम से कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनका ब्लैंक ओएमआर सीट था, तो ऐसे जो चिन्हित कैंडिडेट हैं उनको तुरंत बाहर करके अगर कहें तो उन्हें सजा भी अगर देने का प्रावधान हो तो सजा भी दिया जा सकता है। इस स्कूल से कोई ऐसे शिक्षक हैं जो उस पैनल से बिलोंग करते हैं? नहीं, इस सौभाग्य की बात है इस स्कूल से अभी तक ऐसा कोई वहां पे नहीं था कि जिसमें है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं गया है। लेकिन आप क्योंकि शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, तो कैसे देखते हैं अगर जिन स्कूलों के शिक्षक चले गए हैं फिलहाल के लिए प्रदर्शन कर रहे, वो स्कूल नहीं आ पा रहे, तो कुछ शिक्षकों के जीवन पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन बच्चों को के जीवन पे कैसे असर पड़ेगा, ये कैसे देखते हैं आप? अगर कुछ भी केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है मामला, तो जब तक कुछ नहीं आता है तब तक किस तरह से बच्चे पढ़ाई उन पे असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिक्षक का जीवन विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह विद्यार्थी का जीवन भी शिक्षक से जुड़ा हुआ है। अगर स्कूल में स्टूडेंट न हो तो हमारा कोई काम नहीं है, और ठीक उसी तरह के स्कूल में टीचर न हो तो विद्यार्थियों का कोई काम नहीं है। तो नो डाउट अगर टीचर्स की बहाली अगर रोक दी जा रही है या टीचर को बर्खास्त कर दिया जा रहा है तो उस स्कूल में जरूर असर पड़ने वाला है, क्योंकि SSC में सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, माध्यमिक से लेकर ऊपर के जो टीचर हैं, कोई मैथ्स का है, कोई साइंस का है, कोई लिटरेचर का है, अगर ऐसे टीचरों को बाहर कर दिया जाए, और जब तक अगर कोर्ट के मैटर पे भी अगर कुछ दिन तक एक मामला फंसा रहे, अगर कहें तो बीच में अगर अटका रहे, वो स्कूल भी ना आ पाए और बाहर भी ना जा पाए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा अन्याय विद्यार्थियों के साथ होगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि विद्यार्थियों के भविष्य को भी ध्यान रखते हुए सरकार भी अपने रुख को साफ करे और जो अयोग्य उनको बाहर करने के लिए खुद कोर्ट में मूव करे, और कोर्ट भी इस चीज को जरूर देखे। हाँ, जो गलत है, देखिए चोरी करना जितना गलत है चोरी करवाना भी उतना ही बड़ा गलत होता है, तो घूस जो लिया है वो तो जरूर गलत है, पर अगर मैं घूस देके नौकरी पाया हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, तो उस चीज को मुझे स्वीकार कर लेना होगा। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन भी बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन पे भी इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? देखिए राजनीतिक दल जो है वो अपना तो इस चीज को असर लेंगे ही, किसी के पक्ष में है किसी के विरोध में है, वो राजनीतिक दल अपना जरूर सोचेंगे। मैं एक शिक्षक के नाते मैं स्कूल के विषय में कह सकता हूँ कि इस फैसले का स्कूली शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, तो इसलिए इस फैसले को जरूर फिर से एक बार विचार जरूर किया जाना चाहिए। चुनाव पे असर पड़ेगा? जरूर पड़ सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना राजनीतिक लोग अपने हिसाब से चुनाव को जरूर मोड़ेंगे, मुद्दा सब खोजता है और मुद्दा है, तो अब वो कौन सा राजनीतिक दल किस तरीके से इसको कैश करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस घटना से रिलेटेड TMC के बहुत सारे नेता जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसको फिर से मुद्दा बना रही है, संदेश खाली एक मुद्दा था, अब ये भी इसको भी मुद्दा बना रही है, क्या लग रहा है भाजपा को बंगाल में इससे फायदा होगा? देखिए फायदा या नुकसान तो समय बताता है, मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन है, सभी दल सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो सभी को मुद्दा चाहिए, और मुद्दा मिला है, कोई महंगाई का मुद्दे पे विलाप कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे विलाप कर रहा है, सारे लोगों का ये काम है, तो वो राजनीति 365 दिन चलती है और वो चलती रहेगी, चुनाव के बाद भी चलेगी, चुनाव के पहले भी चलेगी, परंतु विद्यार्थियों का जीवन इस फैसले पर पूरी तरह से प्रभावित है, इस चीज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आप शिक्षक भी हैं लेकिन एक आम नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, हावड़ा में भी इलेक्शन है, 20 मई को इलेक्शन है, यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब किसका दबदबा ज्यादा है और किस पार्टी पे भरोसा करेगी एक बार फिर से हावड़ा की जनता? देखिए हावड़ा की जनता किस पे भरोसा करेगी, अभी तो चुनाव दूर है, हावड़ा में 20 तारीख को चुनाव है, दोनों कैंडिडेट या तीनों कैंडिडेट जो मेन स्ट्रीम में है अभी तीनों का प्रचार चल रहा है, जो पब्लिक से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा पब्लिक जरूर उसके पास जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय जनता भी मुद्दों को स्वीकार करने लगी है और मुद्दों पे बात करने लगी है, तो जिसका जैसा कनेक्ट वैसा उसको वोट। क्या है हावड़ा के मुद्दे, क्या क्या होंगे?
हावड़ा में मुद्दे तो फिलहाल देखिए, चूंकि ये स्थानीय चुनाव तो है नहीं, केंद्र सरकार को बनाने और नहीं बनाने का सरकार चुनाव है, तो मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हावड़ा ही नहीं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि पूरे देश में सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे यह मुद्दा टिका हुआ है और लोकल मुद्दा हर जगह पे गौण हो चुका है, तो लोकल मुद्दे पे बात करना शायद यहाँ पे ठीक ना हो। लोकल मुद्दे पे लोग उतना बात नहीं करते, बहुत सारे जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लोकल अपने जो सांसद है जिनको वोट देने जाने वाले हैं उनका नाम तक नहीं पता होता है, सिर्फ वो केंद्र में जो होते हैं उनका ही चेहरा उनको याद रहता है, उसी चेहरे को लेकर उसी पार्टी के चिन्ह पर वो वोट डाल देते हैं, ऐसा होता है ये जो चुनाव है ऐसा है। तो केंद्र में क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए किसे देख रहे हैं वो विषय तो 4 तारीख को समझ में आएगी, आप अपनी राय दीजिए जरूर, पर एक मतदाता होने के नाते यही चाहूंगा जो भी है देश का विकास करे, युवाओं का विकास करे, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो, रोजगार में बढ़ोतरी हो और देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चलती रहे। उम्मीद किससे, ये इन तमाम चीजों पे कौन अच्छा काम कर सकता है? अब ये तो विभिन्न पार्टियों का घोषणा पत्र देखने से भी समझ में आता है, तो उम्मीद एक वोटर के नाते लगाना जरूर है, लेकिन मीडिया के सामने उस चीज को बोलना शायद उचित नहीं होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, और सर आपका शुभ नाम क्या है? आनंद राय। तो आप आनंद राय को सर को सुन रहे थे और इन्होंने अपनी राय दी है इन तमाम चीजों को लेकर। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप प्रधानमंत्री के रूप में क्या किसे देखते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।